सो गाइस हम लोग आए थे ज्वेलरी दुकान, थोड़ा काम था इसलिए हम लोग ज्वेलरी दुकान। कौन मुंह से बोले, तुम मत बोलो, मार के बोले। हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नीतू जीतू ऑफिशियल के आज के व्लॉग में। सो कैसे हैं आप सब, होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ थोड़ी बातें की जाए और आज का वेदर शेयर किया जाए। तो आज का वेदर कुछ ऐसा है कि आज तो मतलब रात में इतनी बारिश आई थी, इतनी बारिश थी कि हद से ज़्यादा, बड़े बड़े पत्थर, वो जो बर्फ़ के होते हैं ना, वो सारे पत्थर बड़े बड़े गिर रहे थे, छत पे आवाज़ भी आ रहा था। और रात को 10 बजते ही जैसे हम लोग खाना खा करके सोने के लिए गए ना तो बारिश चालू हो गई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ। मतलब इतना ज़्यादा था कि मुझे रात में तो नींद भी नहीं आ रही थी, डर भी लग रहा था कि बाप रे कितना बारिश आ रहा है। और जो पत्थर गिर रहे थे ना उसकी आवाज़ तो मत पूछिए, बहुत ज़्यादा था। और ये हमारे छत है, मतलब मेरा हमारा छत है जो आप देख सकते हो कितना भीगा हुआ है, पूरा ये भीगा हुआ ही है, अभी तो ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सूख रहा है। सो ये पूरा भीगा हुआ था। बाहर का वेदर वैसे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। और पापा यहाँ पक्षियों को रोटी दिए थे जो कि ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, एक दो दिख रहे हैं टुकड़े। सो ये लोग दोपहर तक ख़त्म कर लेते हैं खा करके, कुछ भी नहीं रहता है, छत क्लीन हो जाता है। सो ये है वेदर। मतलब जैसे कि मैंने बताया था ना, मेरे घर के आसपास थोड़ा जंगल जैसा है तो वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और वेदर हुआ है तो आप देख सकती हो सारा झुक गया है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मतलब वो जो पत्थर गिरे थे ना उसकी वजह से सारे पूरा सो गए हैं। मतलब कितने हरे भरे दिखते थे लेकिन अभी तो ऐसे दिख नहीं रहे हैं, सो इसलिए ऐसा हो चुका है। और ये पहले का पुराना कोई घर वर था जो बिक चुका है और ये ऐसे खाली पड़ा है, पता नहीं यहाँ पर कब लोग रहने आएंगे जो बनाएंगे। आप भी यही सोचते होगे ना यार, नीतू कौन से जंगल में रहती है। सो ऐसा नहीं है, एक्चुअली मेरा घर एयरपोर्ट के पीछे है तो इसलिए ऐसा लगता है कि कौन से जंगल में हम लोग रहते हैं। और ये हमारे आम के पेड़ जो ऑलमोस्ट बड़े बड़े हो गए हैं लेकिन बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कल टूट चुके थे, बहुत ज़्यादा झड़ भी गए थे, फिर भी हैं। तो अभी मैं कर लेती हूँ ब्रश क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं, तो ब्रश बाकी है तो चलिए मैं फटाफट से ब्रश कर लेती हूँ। सो गाइस यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी क्योंकि आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी खाना बनाने के लिए। सो ऑलमोस्ट मेरा खाना बनके कंप्लीट हो चुका है, बस लास्ट सब्जियां बाकी थी, दाल चावल बन चुके हैं। दोपहर के टाइम है और मैं और मम्मी छत पे आए हुए हैं, कल मम्मी के हाथ में चोट लग गया था तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मम्मी के हाथ पे काफ़ी ज़ोर से लग गया था, मम्मी का तो पूरा मुंह बन गया था, बेचारी को बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, जो अभी भी मम्मी बोल रही है मेरे हाथ के चाँपो नहीं क्योंकि सच में उनको बहुत ज़्यादा दर्द आ रहा था। सो इसलिए ना मम्मी बहुत ज़्यादा लग गया था ना। वैसे मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी। देखिए निशा क्या बोली, सबकी माँ तो आतंकवादी होती है, ऐसे थोड़ी होता है, सबकी माँ माई होती है ना। सो लेकिन मेरी मम्मी बेस्ट मम्मी है क्योंकि वो मेरी छोटी सिस्टर से ज़्यादा मुझे प्यार करती है। और ये बात मेरी सिस्टर को बहुत बुरा लगता है, अभी उसको पता चलेगा ना कि मैंने ब्लॉग में बताया तो मुझे बहुत मारेगी। हम लोग बैठे हुए थे, निशा भी लेटी हुई है आप देख सकते हो, हम लोग बातें कर रहे थे तभी मम्पी का आया वीडियो कॉल, तो हम सब मम्पी से बातें कर रहे हैं और मम्पी यहाँ पर की है वीडियो कॉल। हाँ हाँ तरकारी खावा हुई चे खेची भूलू होता है, अरे सोयाबीन तरकारी बनिए वीडियो दिए ना सही बोल। सत्य भालो ना।
सो गाइस, दोपहर के टाइम में मेरा खाना वाना कंप्लीट हो चुका है और कुछ देर पहले ही खाना वाना कंप्लीट करके मैं गई थी पार्लर। सो मैंने हेयर कटिंग करवाए हैं, आप देख सकते हो। सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा हेयर कैसा लग रहा है। काफ़ी लंबे लंबे थे बट अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कटिंग करवा लूँ। वैसे तो मुझे देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा हेयर कटिंग कैसा लग रहा है आपको। वैसे मैंने लेयर कराया है, सो मतलब ज़्यादा मैंने नहीं किया था, बस बोला कि थोड़ा थोड़ा कर दो ताकि मतलब अच्छा लगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कटिंग कराया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा हेयर कटिंग कैसा लग रहा है। सो खाना वाना तो कंप्लीट हो चुका है और मम्मी का, जैसे कि मैंने बताया था कि मम्मी के हाथ में चोट लग गया है, सो मम्मी गई हैं सोने के लिए। सो गाइस, शाम का टाइम है, हमारा चाय वाय कंप्लीट हो गया था, तो इसलिए मैं, मम्मी और निशा निकल गए हैं मार्केट के लिए, क्योंकि थोड़ा ज़रूरी काम था इसलिए हम लोग मार्केट आ गए हैं। मम्मी भी साथ में है, आ रहे हैं मार्केट। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग मार्केट क्यों गए थे और क्या लेने गए थे। सो गाइस, हम लोग आए थे ज्वेलरी दुकान, थोड़ा काम था इसलिए हम लोग ज्वेलरी दुकान। सो गाइस, आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरा हेयर कटिंग कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव।